Hello students, I am Sachin and welcome to my YouTube channel MacTech. Today we are going to discuss another important topic of your in university examination, that is varying theorem. It is very very important and it is asked for the many times in the university examination. So let's discuss the varying theorem. What is varying theorem? It states that if a number of coplanar forces are acting simultaneously on a body, then algebraic sum of moments of all the forces is equal to the moment of their resultant about same point. Right? Varignan theorem ये कहती है कि अगर किसी body पर बहुत सारे force एक साथ लग रहे हैं, तो उन forces का moment का algebraic sum equal होगा उन सारे forces के resultant के moment के. राइट, देखिए, लेट टू फोर्सेस आर पी एंड क्यू एंड देयर रिजल्टेंट इज आर. सो वेरिंग थ्योरम ये कहती है कि दोनों फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, मूवमेंट ऑफ पी इज व्हाट, पी इनटू डी वन, पी इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सिमिलरली क्यू, मूवमेंट ऑफ क्यू इज क्यू इनटू डी टू, क्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सिमिलरली रिजल्टेंट का मोमेंट, इन दोनों का सम, फोर्सेस दो थे तो दोनों का हमने सम कर दिया है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट के, जो इन दोनों के फोर्स का जो रिजल्टेंट का मोमेंट है उसके बराबर होगा. द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट. राइट, दिस इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट. दिस इज द वेरिंगटन थ्योरम. Now we are going to prove this. So let's discuss the proof of the Varignan's theorem. Right. Proof में हम क्या कर रहे हैं? वही figure जो हमने पहले draw किया था. दो force हैं P और Q और इनका resultant है R. P का point M के about अगर मैं moment लेता हूँ तो perpendicular distance अगर इसकी हम देखें तो P P पर M से perpendicular distance है D1, R पर है D, Q के लिए है D2, ये पुराने वाले ही हमने मार्क किए गए हैं. सो कुछ एंगल हमने यहाँ पर माने हैं. अल्फा, अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा वो एंगल है जो पी एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, पी एक्स एक्सिस के साथ बनाता है. बीटा एंगल वो है जो क्यू एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, और थीटा वो एंगल है जो आर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है. राइट, नाउ मोमेंट ऑफ पी, मोमेंट ऑफ पी की अगर मैं बात करता हूं तो पी इंटू डी वन, दिस इज द मोमेंट फॉर्मूला फॉर द मोमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू पी इंटू ओ एम कॉस अल्फा. इफ दिस एंगल इज अल्फा देन दिस एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस विल ऑल्सो बी अल्फा ड्यू टू द ज्योमेट्री. राइट, देन पी इंटू डी वन इज इक्वल टू वॉट, पी इंटू ओ एम इंटू कॉस अल्फा, देन पी कॉस अल्फा, इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो ये एक y का x कंपोनेंट बन जाता है px. सो p into d1 equal to px into om. similarly q into d2 equal to q into om cos alpha cos beta. similarly q into cos beta is the horizontal component of q, and similarly resultant into d equal to the r into om cos theta, and r into cos theta is the horizontal component of the resultant. So now adding equation 1 and 2, now adding equation 1 and 2, P into D1 plus Q into D2 equal to PX into OM plus QX into OM. OM is common out, in the bracket we have PX plus QX, and the resultant of PX plus QX is the RX, and the value of OM and RX we have seen, this is R into D. So this is the proof, P into D1 plus Q into D2 equal to the R into D. This is the proof of Varignan's theorem. Thank you guys.